तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब से रिलेटिव सारे नोटिफिकेशन या वॉकिंग इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में जो वैकेंसी निकला है 13 नवंबर का वॉकिंग इंटरव्यू रखा गया है इन्होंने। जो क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री और उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है 60% है, और आपका नेट गेट स्कोर यहाँ पे वैलिड होगा दोस्तों, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ एज लिमिट की बात करें तो 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। लास्ट डेट इसका जो है दोस्तों अप्लाई वाला, वो 3 नवंबर 2019 है दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको देखो दिया हुआ ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर दें दोस्तों। सारा एप्लीकेशंस डिटेल्स जो पूरा है वो आप फॉरवर्ड कर दें दोस्तों, वो आपको 3 नवंबर से पहले पूरा फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो ही अफेक्ट होगा, वरना क्या है कि आप इस वॉकिंग इंटरव्यू को भी अटेंड नहीं कर पाओगे दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या स्ट्रक्चर्स पूरे दिए हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, जो बीटेक डिप्लोमा केमिकल और मैकेनिकल प्लस 2+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, और आपको डीसीएस ऑपरेशन वगैरह का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया दोस्तों 28 साल रखा है। यहाँ LPG प्लांट ऑपरेशन इंजीनियर का वैकेंसी है दोस्तों। जो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट हैं तो दिए हुए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ प्रोजेक्ट्स तो डिजाइनर और के लिए वैकेंसी है, PLC प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों डिजाइनर्स के लिए 2 से 4 और 1 से 3 वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वगैरह जो 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है PLC प्रोग्रामर्स के लिए, जो यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी, अगर इंटरेस्टेड मेल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर SFPCL में जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हेड के लिए अलग अलग कैटेगरी जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के लिए जो वैकेंसी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए, स्टोर इंचार्ज वगैरह के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी अलग अलग मांगा हुआ दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नीचे लिंक पर ज्वाइन करके आप इसे पूरा फिल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे जो है आपका केमिकल कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोरीन वगैरह का जिसको जो यहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर पूरा आपको जॉब डिटेल्स दिया हुआ, अगर आपसे मैच करता है तो आप यहाँ पर दोस्तों दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए हुए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपना सीवी। तो दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो ये केमिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है जो MNC कंपनी है, तो दोस्तों ये जो है जामनगर और मुंबई लोकेशंस के लिए हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप और को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वैकेंसी जो वॉकिंग इंटरव्यू है जो गुजरात राज्य वन विभाग निगम लिमिटेड में है दोस्तों, ये 23/10/2019 को होने वाला है। जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है 15,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली है सैलरी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इसे अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशंस वगैरह बताया गया है, तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो दोस्तों आप इसे अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आप वॉकिंग इंटरव्यू है दोस्तों, अगर आप इस वॉकिंग इंटरव्यू को 19 तारीख को अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास बी फार्मा एम फार्मा बी टेक होना चाहिए और 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बात करें तो रिसर्च सेंटर्स में जो वैकेंसीज हैं, जो आपको MSc एम फार्मा के लिए वैकेंसी 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जो MSc के लिए केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है वो 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। तो नेक्स्ट भी ये MSc जो केमिस्ट्री से हैं वो 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी इसमें जा सकते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट अलग अलग है, जो 19 तारीख को वॉकिंग इंटरव्यू रखा गया है जो बेंगलोर में होने वाला है, अगर कोई नहीं अटेंड कर पाता किसी भी को इंटरव्यू को, तो वो अपना दिए कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकता है, CV अपना फॉरवर्ड कर सकता है मेल आईडी पे।
नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों NIT में वॉकिंग इंटरव्यू रखा गया है जो 28/10 का दोस्तों रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है किस किस के लिए और कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, किस में मेल अप्लाई कर सकते हैं, किस में फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा इन कोचिंग मांगा हुआ है दोस्तों, तो अगर आप 3 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास ये जो दिया है अपना कबड्डी वगैरह क्रिकेट वगैरह खो खो वगैरह, तो आप यहाँ पर दोस्तों इसे अटेंड कर सकते हैं। और ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है तो इस एड्रेस पर जाके इसे 28/10 को अटेंड कर सकते हैं। और जो जो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं वो लेके जाना है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैकेंसी NEL में वैकेंसी है जो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन में दो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स के लिए वैकेंसी जो क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, तो दोस्तों यहाँ 5 से 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग का, जो गैस डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट जो डिज़ाइनर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग से करे हुए हैं HSC+ ITI है जिनके पास ड्राफ्टमैन वगैरह, तो वो भी यहाँ पर 5 से 15 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये MLID दिया हुआ है वहाँ पर अपना CV मेल कर सकते हैं। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 20 तारीख को दिए दो एड्रेस पे आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ डिप्लोमा BEEE और ECE 2018-2019 के पास आउट हैं, तो आप इसे 18, 19, 21 और 22 तारीख को यहाँ दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन तारीखों को यहाँ पर दिए एड्रेस पर तमिलनाडु में इसे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते तो दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद लोकेशन के लिए 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप इसे टूल डिज़ाइन इंजीनियर का लिए तो आप इसे अटेंड ईमेल आईडी पर CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोई भी डिग्री है अगर आपके पास फ्रेशर भी हैं तो भी दोस्तों आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दियो यहाँ पर मेल आईडी दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर सिप्ला के लिए वॉकिंग इंटरव्यू है जो 20 तारीख का होने वाला है। यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी है, जैसे कि दोस्तों इंजीनियर्स और प्रोडक्शन में वैकेंसीज है, और यहाँ पे इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन है पैकिंग के लिए 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर QC के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं 20 तारीख को दियो एड्रेस पर जो चंडीगढ़ में होने वाला है। नेक्स्ट बात करें वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों, यहाँ पर जो फैकल्टी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस एग्जीक्यूटिव गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर एक्सपीरियंस अलग अलग दिया हुआ है, अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं 19 तारीख को यहाँ अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पुणे में यहाँ पर रखा गया है इसका। नेक्स्ट आगे ओमान के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिविल्स टेक्नीशियंस और मैकेनिक ऑपरेटर्स के लिए जो वैकेंसीज है 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो दोस्तों आप इसे 22 तारीख को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा क्लाइंट्स वगैरह के। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव जो MBA करे हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो लोग 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ दियो मेल आईडी पे अपना CV मेल कर दें दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये एडमिन के लिए, जहाँ पे अगर आपके पास इससे रिलेटिव एक्सपीरियंस है दोस्तों दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और CV फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो है 20 से 26 ईयर एज मांगा हुआ है जो फ्रेशर और 1 से 2 ईयर के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी ब्रांच से हो तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर के लिए ये फील्ड ऑफिसर्स के लिए होगी, ब्रांच मैनेजर में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यही। और दोस्तों अगर इस वॉकिंग इंटरव्यू है यहाँ पर देखिए अलग अलग लोकेशंस दिए हैं, 19 तारीख को यहाँ 19 तारीख को ही अलग अलग लोकेशंस दिए हुए हैं, तो अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है
वो केवल 2018 और 2019 के जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं बी या बी टेक एम ई एम टेक जिनका 50% से ज़्यादा रहना चाहिए आईटी से किया है तो वो लोग यहाँ पे दोस्तों इसे यहाँ पे दिया हुआ 22 अक्टूबर को आपका ऑनलाइन रिटर्न होगा, 23 अक्टूबर को एचआर राउंड होगा और कम्युनिकेशन होंगे। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग के लिए दिया हुआ है, अलग अलग प्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू देखो वन कॉपी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है और 21 तारीख को वॉकिंग इंटरव्यू रहेगा इनका। अगर आप इंटरेस्ट हो तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू है जो अलग अलग है, यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आप टेलीकॉम टेक्नीशियंस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो यार 20 और 21 तारीख के यहाँ पर होने वाले हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ मैकेनिकल या बी टेक एमई और एम टेक डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ बनने यहाँ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो कैट के लिए और यहाँ पर 2 से 4 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। तो दोस्तों 19 तारीख को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के लिए, जो दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, 3 वैकेंसी बी टेक ENC एंड पावर एंड इलेक्ट्रिकल से, तो यहाँ पर 2 से 7 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है तो अपना CV फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट जो ओपनिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी है, तो बी टेक पावर एंड ENC एंड इलेक्ट्रिकल 2 से 7 ईयर एक्सपीरियंस और दी मेल आईडी मेल करें दोस्तों। ये जो मेडिकल के लिए जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जिनके पास 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस है हैं अलग अलग, तो आप अगर इनसे मैच करते हैं दोस्तों आप इसे सी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग टेस्ट के, तो आप अगर मैं थोड़ा ऐसे कम टाइम में, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है बहुत लॉन्ग, तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट हैं तो सेल्स मार्केटिंग के लिए कस्टमर सर्विस सेल्स वगैरह के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दीव मेल आईडी सभी में कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी दिया हुआ है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो दीव मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारा सेल्स के लिए मैक्सिमम। तो दोस्तों आगे हम यहाँ पर आते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू है जो ऑपरेटर्स के लिए, जहाँ पर BSc और डिप्लोमा IT मांगा है, 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों 19 तारीख को इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो है तेलंगाना लोकेशन दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड ज्वाइन करें। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है 23 तारीख को यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए होने वाला है, टाटा स्टील लेने वाला है और यहाँ पर दिया हुआ ITI अलग अलग लोकेशन के लिए दिया हुआ है, तो दोस्तों आपके सामने सब। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर BIC मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 से 7 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो 19 तारीख को इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर टेक्नीशियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके पास ITI 2 से 10 ईयर एक्सपीरियंस है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी दी हुई है, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो ईमेल आईडी सेंड कर दें CV। ये 19 तारीख को होने वाला है, बी और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हैं, बी और डिप्लोमा मैकेनिकल हैं, बी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, एक्सपीरियंस दिया हुआ 3 से 6। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन देखो, एम फार्मा, बी फार्मा, BSc, MSc और एनी इंजीनियरिंग 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है और यहाँ पर मांगा एम फार्मा बी फार्मा, यहाँ पर भी वही सेम है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन सारा क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग है, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 19 तारीख को होने वाला, एड्रेस दिया हुआ है, तो वॉकिंग इंटरव्यू है। नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू है ये जो BSc BCom BA करे हुए हैं, इंटरमीडिएट ITI इलेक्ट्रिकल प्लम्बर, तो आप यहाँ पर फिटर, तो यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। 21 तारीख को होने वाला है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। तो दोस्तों डिजाइन जो आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है वॉकिंग इंटरव्यू ये दोस्तों प्रोडक्शन के लिए जो BSc MSc बी फार्मा एम फार्मा करे हुए हैं, 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो लोग यहाँ पे 19 तारीख को अटेंड कर सकते हैं। परचेज, क्वालिटी कंट्रोल, इंजीनियरिंग,
यहाँ पर क्वालिफिकेशन है बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, बी एस सी, बी फार्मा, आई टी आई मांगा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पर दी हुई भी फॉरवर्ड करते हैं ईमेल आई डी पर। दोस्तों तो ये ऑलरेडी मैंने ये नोटिफिकेशंस दिखा दिए, तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखा दूँ, याद दिला दूँ कि आप यहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी अगले वाले में दिखा चुका हूँ, तो दोस्तों मैं इसे शॉर्ट में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आते हैं GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर दोस्तों 3.6 से 15 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 2 लाख से 5 लाख तक ये प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन है BSc MSc डिप्लोमा BE BTech के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी दी हुई है और इनका वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग केमिस्ट के लिए QA और QC के लिए, जिनका क्वालिफिकेशन में BSc है और पोस्ट ग्रेजुएट है, MS है और MSc है। तो यहाँ पे दोस्तों एम फार्मा है, तो 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले जी मेल आईडी मेल कर सकते हैं और यहाँ पर लिंक भी दिया, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटानिया में जो वैकेंसी है, जहाँ क्वालिटी ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएशन अगर करे हुए हैं फूड टेक्नोलॉजी MSc करे हुए केमिस्ट्री से 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं नीचे लिंक प्रोवाइड किया है, इस लिंक पर जाके आप अपना पूरा फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन में। इस लिंक को और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों RL फाइन केमिकल लिमिटेड यहाँ पे है, जो QA केमिस्ट और एग्जीक्यूटिव के लिए MSc क्वालिफिकेशन मांगा है, 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 5 ओपनिंग है, दी मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो।